पूजा घर में विराजमान बाबा श्याम की मूर्ति प्रतिमा को टूटने खंडित होने से कैसे बचाएं? जय श्री श्याम। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम की कृपा सदा आप सभी श्याम भक्तों पर बनी रहे। हमेशा ऐसा देखा जाता है कि घर के मंदिर में जब हम बाबा श्याम या अन्य देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं तब उस मंदिर में विराजमान भगवान की मूर्तियां खंडित हो जाती हैं, टूट जाती हैं। किसी की उंगली टूट जाती है, किसी की गर्दन टूट जाती है, किसी का कान टूट गया, किसी की आंख निकल गई, किसी का पैर टूट गया। फिर उस मूर्ति को लेकर घूमते रहते हैं, फिर किसी ना किसी से पूछते हैं कि अब इसका क्या करें। फिर कुछ लोग उस तस्वीर मूर्तियों को पेड़ के नीचे रख आते हैं, कुछ नदियों में डाल आते हैं, तब क्या करें? तब आज की इस वीडियो में एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जिसके करने से बाबा श्याम भगवान की मूर्ति प्रतिमा चटके ही नहीं, टूटे ही नहीं। तब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनके घर की प्रतिमा मूर्तियां भी ना टूटे ना चटके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी जानते ही हो कि खंडित मूर्ति प्रतिमा की पूजा करने का दोष तो होता ही है। तब खंडित मूर्तियों को घर के मंदिर से हटा करके घर में कहीं रख दीजिए, या सबसे सही रहेगा कि नदी में खंडित मूर्तियों को प्रवाहित कर दें। भविष्य में कभी घर के मंदिर की मूर्ति प्रतिमा टूटे नहीं तब इसके लिए क्या करना है? तब सबसे पहले एक लोटा गिलास किसी पात्र में जल भरकर अपने घर के मंदिर में रखना है। 24 घंटे के लिए ही भरकर रखा जाता है। तब घर के मंदिर में हम सभी भगवान बाबा श्याम की पूजा में एक पात्र में शुद्ध जल भरकर रखते हैं। तब इस जल की इतनी बड़ी महिमा है कि मंदिर में जो आप जल रखते हैं तब इस जल के द्वारा आपके मंदिर में विराजमान मूर्तियां तस्वीर खंडित नहीं होती हैं। प्रतिमाओं के अंदर जो एक बहुत ज्यादा गर्मी है वो ये जल उसको शीतलता का रूप देता है। इसीलिए आज प्राण प्रतिष्ठा वाले मंदिरों में भी लोटे में जल भरकर रखा जाता है। तब आप भी अपने घर के मंदिरों में एक लोटा या गिलास में जल भरकर रखें। जब आप मंदिर में जल का लोटा या गिलास भरकर रखें तब वो लोटा मंदिर में बाई तरफ रखना है, क्योंकि ईशान कोण में ही जल का स्रोत है। अब इस जल का क्या करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आज सुबह आपने बाबा श्याम के समक्ष मंदिर में जल रखा है तब दूसरे दिन सुबह भगवान के बर्तन साफ करने के लिए लेकर जाएंगे, तब उस जल को घर में लगे पेड़ों में डाल दीजिए या फिर उस जल को किसी जल में ही प्रवाहित कर दीजिए और फिर लोटे या गिलास को साफ करके फिर उसमें शुद्ध पानी भरकर भगवान के समक्ष रख दें। ऐसा करने से आपको देखने को मिलेगा कि आपके घर के मंदिर की प्रतिमाएं टूटेगी, खंडित ही नहीं होगी और साथ ही में आपको पूजा आराधना करने में आनंद आएगा और बाबा श्याम का ध्यान भी आसानी से कर सकते हैं। और साथ ही आप देखना कि जो आपके घर के मंदिर में विराजमान बाबा श्याम की मूर्ति तस्वीर है उसमें सौम्यता दिखाई देगी। ऐसा लगेगा कि जैसे बाबा श्याम की प्रतिमा हमसे बात कर रही है, ऐसा लगेगा कि प्रतिमा हमको देख रही है। तब अपने घर के मंदिर में एक पात्र में शुद्ध जल भरकर जरूर रखें, तब आपको इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। अपने परिवार में सकारात्मक स्रोत देखने को मिलेगा, घर के लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने को मिलेगी। तब एक लोटे में जल भरकर रखें, यह हर घर के मंदिर में होना चाहिए। जो दक्षिणी शंख होता है उसे भी बिना जल के नहीं रखा जाता है, उसमें भी जल भरकर रखते हैं।
और दूसरे दिन उसके जल को भी पेड़ों या किसी जलाशय में डाला जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो मैंने आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है। प्रतिमा टूटती है, चटकती है, उनको रोकने के लिए मंदिर में बाबा श्याम के समक्ष, भगवान के समक्ष जल भरकर जरूर रखें। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा, जय श्री श्याम।